एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। तो बैंक की शादी करेगा मुझसे? तेरे को दिखता नहीं पैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। हट जाइए मेरे रास्ते से। ए, मैं हटने वालों में से नहीं हटाने वालों में से हूँ। अफसोस, वैसे भी इस देश में शेर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर गिनती के रह गए, शिकार करने में बुरा लगता है। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सुनते की बार अच्छे से बोलते हैं। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। सलमान से पहले किसको ऑफर हुआ था राधे का रोल? अब कौन बनेगा फिल्म का गनी भाई? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। अब फिल्म वांटेड तो सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन अब मेकर्स इस फिल्म के सीक्वल को भी उतना ही धमाकेदार तरीके से बनाने की तैयारी में है। और किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए फिल्म में एक अच्छी स्टार कास्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर बात करें वांटेड 2 में कास्ट किए जाने वाले स्टार्स की, तो इस फिल्म के हीरो तो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान से पहले फिल्म वांटेड के लिए किस खान को अप्रोच किया गया था? इस फिल्म में सलमान से पहले शाहरुख खान को हीरो का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी कारण से शाहरुख ने फिल्म को मना कर दिया और ये रोल सलमान तक पहुंच गया। वैसे अगर राधे का रोल शाहरुख खान ने निभाया होता तो इस कैरेक्टर का असर लोगों पर कुछ और ही हुआ होता, क्योंकि शाहरुख खान पर रोमांटिक रोल ज्यादा सूट करता है और ये रोल उनकी इस इमेज को थोड़ा अलग बना देता। वहीं अगर बात करें वांटेड 2 में विलन की, तो इस बार फिल्म में नाना पाटेकर को विलन के रूप में देखा जा सकता है। नाना पाटेकर इसलिए क्योंकि फिल्म वांटेड में इन्हें विलन का रोल ही ऑफर हुआ था, क्योंकि मेकर्स को गनी भाई यानी कि विलन के कैरेक्टर के लिए नाना पाटेकर ही बेस्ट चॉइस लगे थे। लेकिन उस वक्त नाना पाटेकर के पास शूटिंग डेट्स की कमी होने के कारण ये रोल प्रकाश राज को मिल गया। इसी कारण अब इस फिल्म में प्रकाश राज की एग्जिट के पूरे चांसेस हैं। वैसे प्रकाश राज ने ही ओरिजिनल फिल्म पोकिरी में भी विलन का रोल निभाया था, यही एक कारण था कि उन्हें फिल्म वांटेड में विलन का ये रोल ऑफर किया गया था। वहीं अभी तक फिल्म वांटेड 2 की हीरोइन के लिए किसी भी एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जिस एक्ट्रेस का नाम शामिल हो सकता है उनमें सबसे ऊपर नाम है दिशा पाटनी का, जिन्होंने सलमान की लास्ट फिल्म राधे में उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। इस समय कहाँ शूट कर रहे हैं सलमान खान? किस देश के टूरिज्म मिनिस्टर से मिले सलमान खान? शोएब अख्तर ने दी सलमान खान के साथ अपने किस पुराने इंसिडेंट की सफाई?
हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 के बारे में और देंगे सलमान खान से जुड़ी कुछ अपडेट्स। सलमान खान के हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और फिल्मों को लेकर उनके फैंस बेहद ही एक्साइटेड रहते हैं और उनका बेसब्री से वेट करते हैं। फिर चाहे वो फिल्म सलमान खान की किसी भी सीरीज की फिल्म हो या फिर ब्रांड न्यू फिल्म, उनकी हर एक अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल सलमान खान के फैंस वांटेड 2 के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सलमान खान के फैंस सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सलमान ने इस फिल्म में कुछ सीन्स की शूटिंग इंडिया और रशिया में पूरी की है और खबर आ रहा है कि सलमान खान अपनी टाइगर 3 की टीम के साथ फिल्म के आगे की सीन्स की शूटिंग करने टर्की गए हुए हैं और वो इस समय टर्की में कैटरीना कैफ के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइगर 3 के शूट के दौरान सलमान खान टर्की के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर नूरी एरसोय से भी मिले। सलमान खान की अपनी मुलाकात की तस्वीरें खुद नूरी एरसोय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। आपको बता दें कि सलमान खान इस समय अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग टर्की में कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ नजर आएगी। इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी करते ही सलमान खान वापस मुंबई आकर बिग बॉस की शूटिंग में लग जाएंगे। अब बात मुंबई की आई है तो सलमान खान और एक्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का साल 2008 का काफी पुराना इंसिडेंट तो आपको याद होगा ही। अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। दरअसल साल 2008 में एक अफवाह जगह जगह आग की तरह फैली थी कि सलमान खान और शोएब अख्तर बैंड्रा की बीच पर शर्टलेस होकर रेस कर रहे थे, तो कई न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल इस खबर को बार बार दिखा रहे थे और वाकई में ये बड़ा मामला बन गया था। हाल ही में शोएब अख्तर ने यूट्यूब में एक लाइव में कहा कि वो और सलमान खान कभी भी बैंड्रा के बीच पर शर्टलेस होकर रेस नहीं किए और तो और रेस छोड़ो वो कभी वहाँ साथ में भी नहीं गए। शोएब ने कहा कि वो मुंबई सलमान खान के घर गए थे जहाँ पर सलमान खान, कैटरीना कैफ और शोएब अख्तर ने साथ मिलकर डिनर किया था और उनकी शर्ट गंदी हो जाने के कारण सलमान ने उन्होंने अपनी शर्ट दी और चेंज करने को कहा। शोएब ने कहा कि वो शर्ट चेंज कर सीधे कराची के लिए निकल गए और जब अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें इस र्यूमर के बारे में पता चला। हालांकि तब भी शोएब ने इस बात को क्लियर किया था लेकिन तब किसी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। शोएब ने कहा कि वो इंडिया आकर सलमान खान से मिलने को बेहद उत्सुक है। अगर बात करें वांटेड 2 की तो आप लोगों को बता दें कि सलमान खान की फिल्म वांटेड 2 पर अभी काम चल रही है। फिलहाल वांटेड 2 की अभी स्क्रिप्टिंग की जा रही है। स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही फिल्म की अनाउंसमेंट की जाएगी। चलिए आज की अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत घर है तो बैंक की शादी कराएगा मुझसे। क्या वांटेड 2 में दिखाई देंगी कैटरीना कैफ? किस रोल को स्क्रीन पर निभाते हुए नजर आएंगी एक्ट्रेस? क्या वांटेड 2 होगी एक ओरिजिनल कहानी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। राधे भाई जल्द ही आ रहे हैं जलवा 2 दिखाने। जी हाँ दोस्तों, वांटेड 2 को बढ़ाने के लिए सलमान खान ने आखिरकार हामी भर दी है। हम जानते हैं कि एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे जरूर कहा था कि वांटेड का सीक्वल नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों अब लगता है कि वो पुरानी बात थी क्योंकि जिस हीरोइन को वांटेड 2 के लिए कंफर्म किया जा रहा है वो सलमान की फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों हम जरा गलत डायरेक्शन में चले गए, वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ है। अब सलमान खान वैसे तो फिल्म छोड़ सकते हैं लेकिन कैटरीना के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और वैसे भी कैटरीना की लाइफ आजकल काफी कुशल मंगल चल रही है।
ऐसे में टाइगर अपनी जोया के साथ दिल दिया गल्ला करना चाहते हैं। दोस्तों गुड न्यूज ये है कि फिल्म में सलमान खान और कैटरीना की जोड़ी हमें देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों बैड न्यूज ये है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होगी जब सलमान और कैटरीना अपनी टाइगर 3 की शूटिंग खत्म कर लेंगे और फिर फिल्म 2023 के आसपास जाकर थिएटर्स में दस्तक देगी। फिल्म से जुड़ी एक और खबर जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों राधे ये मोस्ट वांटेड भाई के रिलीज होने के बाद इसे ही वांटेड 2 बताया गया था, हालांकि सलमान ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया था और अब भाई ने कहा है कि ठीक ऐसा नहीं है। दोस्तों बता दूं कि वहीं वांटेड 2 से जुड़ी एक और खबर ये आई है कि फिल्म के जरिए पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण और सलमान की जोड़ी हम सबको देखने को मिलेगी, लेकिन ये बात दोनों ही एक्टर्स ने र्यूमर्स घोषित कर दी है। अब दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट ऑफ वांटेड के प्रोड्यूसर प्रभु देवा ही करेंगे और जब प्रभु देवा कोई फिल्म बनाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उनकी फिल्म में एक पेपी सॉन्ग जरूर हो और जब फिल्म की थीम ही मुंबईया रहेगी तो बेशक राधे और उसकी गैंग तो धूम मचाती नजर आएगी ही। वहीं दोस्तों कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम फिल्म की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के किरदार के बारे में तो कुछ बताएंगे ही नहीं? तो दोस्तों बता दूं कि आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, फिल्म की कहानी का आइडिया किसने दिया और फिल्म में कैटरीना किस किरदार में नजर आएंगी। दोस्तों बता दें कि फिल्म की कहानी एक ऐसे गुंडे की है जिसको मुंबई पर राज करना है, प्रिटी टिपिकल गुंडा राइट। लेकिन दोस्तों ये गुंडा असलियत में IPS ऑफिसर राजवीर सिंह शेखावत है जो मुंबई के डॉन को पकड़ने की फिराक में है। आप सोच रहे होंगे यार ये तो हम वांटेड में भी देख चुके हैं, फिर प्रभु देवा क्या नया लेकर आ रहे हैं हमारे लिए? दोस्तों नया है इस फिल्म में राधे का प्यार यानी फिल्म की नई जानवी यानी कैटरीना कैफ का किरदार जो एक डॉक्टर है। वहीं जानवी की मुलाकात राधे से तब होती है जब राधे को गुंडों से गोली लग जाती है और उसकी जान बचाने वाली डॉक्टर पर ही राधे का दिल आ जाता है। जिस तरह फिल्म वांटेड में आयशा टाकिया के किरदार को एक पुलिस वाले हरास करता है, उसी तरह से इस फिल्म में कैटरीना को भी उनके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हरास करने की कोशिश की जाती है। और ये सब जान लेने के बाद दोस्तों जानवी पुलिस के पास जाती है जहां वो देखती है मुंबई का डॉन ही सब इलीगल कामों के पीछे है। अब जानवी को बस एक ही सहारा है और वो है राधे। मैंने कमिटमेंट कर दी, बस तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोस में जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 के बारे में और आपको बता देंगे कि सलमान खान से जुड़े कुछ बेहतरीन अपडेट्स फिल्म वांटेड 2 और सलमान खान से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलमान खान की फैन फॉलोइंग का तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हमारे इंडिया में किसी भी फिल्म को चलाने के लिए सलमान खान का उस फिल्म में होना ही काफी है। क्या करें, हमारे भाईजान सलमान खान का स्टारडम है ही इतना कमाल का। दुनिया भर में सलमान खान के लाखों और करोड़ों में फैंस हैं और उनके ये सभी फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और भाईजान की कोई भी फिल्म बस रिलीज होने की देरी होती है, फिल्म रिलीज हुई नहीं और सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाने। जब बात सलमान खान की फिल्म की आती है तो उनके फैंस ना तो फिल्म की स्टोरी को प्रायोरिटी देते हैं और ना ही किसी और को एक्टर या डायरेक्टर को। भाई के फैंस तो सिर्फ भाई से ही मतलब रखते हैं। बात करें अगर प्रभुदेवा के लिए द्वारा डायरेक्ट फिल्म वांटेड 2 की, इस फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई वांटेड 2 को लेकर तो मेकर्स ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन फिलहाल सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ रशिया में है और वो अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। टाइगर 3 में सलमान खान के भाई सोहेल खान के बेटे और सल्लू भाई के भतीजे यानी कि निर्माण खान बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं।
ऐसे में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सलमान खान के भतीजे यानी निर्वाण खान सलमान खान की फिल्म बॉडी 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जब सलमान कटरीना कैफ और फिर टाइगर 3 के अदर क्रू मेंबर्स जब एयरपोर्ट पर रशिया के लिए रवाना होते हुए दिखे है तभी सलमान खान के साथ उनके भतीजे निर्वाण खान उनके पीछे एक बैकपैक अपने शोल्डर पर कैरी किए हुए नजर आए थे। वहीं बात करें अगर बॉडी 2 की तो अभी तक मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस कौन होगी। अनुमान है कि फिल्म से कोई नया चेहरा बॉलीवुड में डेब्यू कर सकता है लेकिन इंतजार है तो बस मेकर्स की। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। हट जाइए मेरे रास्ते से। ए, मैं हटने वालों में से नहीं हटाने वालों में से हूँ। अफसोस, वैसे भी इस देश में शेर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर गिनती के रह गए। शिकार करने में बुरा लगता है। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलते हैं। कैसा रहेगा वांटेड 2 का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन? वांटेड 2 कैसी होगी अलग प्रभु देवा की अन्य मूवी से? किस टेलीविजन एक्टर की निधन पर सलमान ने जताया दुख? हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 के बारे में और आपको देंगे सलमान खान से जुड़े कुछ अपडेट्स। सलमान खान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार्स में से एक है। उनके फैंस की संख्या लाखों और करोड़ों में है। सलमान खान के फैंस उनसे बेतहाशा प्यार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वांटेड का दूसरा पार्ट यानी कि वांटेड 2 बनने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2009 में आए प्रभु देवा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म वांटेड जिसमें सलमान खान और आयशा तकिया ने मुख्य रोल्स निभाया था, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 94 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये कमाई सलमान खान की फिल्म ने उस टाइम की थी जब सलमान खान अपने करियर के नाजुक दौर से गुजर रहे थे। इस समय सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और ऑडियंस के लविंग सुपरस्टार है। ऐसे में वांटेड 2 का 100-200 करोड़ तक की कमाई करना एकदम पक्का है। वही अगर बात करें फिल्म की डायरेक्शन की तो साल 2009 में आई फिल्म वांटेड की तरह ही वांटेड 2 को प्रभु देवा ही डायरेक्ट करेंगे। अनुमान है कि इस बार इस फिल्म में बहुत शानदार एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही फिल्म में कॉमेडी का डोज भी होगा। प्रभु देवा की बाकी फिल्मों से थोड़ा ज्यादा ह्यूमर डाला जाएगा इस फिल्म में। आपको बता दें कि सलमान खान और प्रभु देवा कई फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं। वांटेड 2009, दबंग, दबंग 3 और हाल ही में आए राधे जैसे हिट मूवीज में शामिल है। इसके बाद प्रभु देवा सलमान खान के लिए वांटेड 2 डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म पर अभी अभी काम चल रहा है। इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म होते ही फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। सलमान खान के बॉलीवुड में लगभग सभी लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता है और सलमान खान सभी की बेहद फिक्र भी करते हैं। हाल ही में फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक से निधन हो गया जिस पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया और कई टेलीविजन इंडस्ट्री के सितारे सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। सिद्धार्थ टेलीविजन इंडस्ट्री का एक लंबे समय से हिस्सा थे। सिद्धार्थ की सलमान खान से जान पहचान टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के दौरान हुई थी। सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के सडन डिमाइस पर दुख जताया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम याद आओगे। सिद्धार्थ के परिवार के लिए संवेदना। आखिर कहां बिजी है वांटेड 2 के डायरेक्टर प्रभु देवा? तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या कहना है प्रभु देवा का सलमान खान और दिशा पटनी की जोड़ी के लिए? सलमान खान की किस फिल्म का फर्स्ट लुक आया है सामने? स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु, तो बैंक शादी करा मुझसे?
तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 के बारे में और आपको देंगे सलमान खान से जुड़ी कुछ बेहतरीन अपडेट्स। भाई प्रभु देवा से तो आप सभी भी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। प्रभु देवा एक ऐसे कलाकार हैं जो कि एक डांसर एक्टर डायरेक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। एक समय पर प्रभु देवा इतने हिट हुए थे कि दोस्तों उन्हें इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाने लगा था। उस समय प्रभु देवा का टाइम क्रेज था और दोस्तों प्रभु देवा सिर्फ छलते हुए ही नहीं ट्रैक्टर की आवाज पर भी डांस करते थे। तो दोस्तों भारी भरकम भीड़ टिकट खरीद कर उन्हें देखने आती थी। प्रभु देवा ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी वो थी वांटेड, जिसमें सलमान खान ने लीड रोल निभाया था और इस फिल्म ने सलमान खान के मरते हुए करियर को संजीवनी दी थी। और दोस्तों अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 को प्रभु देवा ही डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आजकल प्रभु देवा अपनी फिल्म बघीरा को लेकर काफी बिजी हैं। बता दें कि प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म में प्रभु देवा के अलावा अमायरा और दोस्तों और भी कई कलाकार नजर आएंगे। प्रभु देवा की ये फिल्म एक इंडियन साइको मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होगी। आपको बता दें कि वांटेड के डायरेक्टर प्रभु देवा ने हाल ही में सलमान खान और दिशा पटनी स्टारिंग राधे ये मोस्ट वांटेड भाई फिल्म को डायरेक्ट किया था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान प्रभु देवा ने कहा कि सलमान खान और दिशा पटनी की ये फ्रेश और नई जोड़ी फिल्म के लिए बहुत अच्छी साबित हुई और दर्शकों को भी खूब पसंद आई है। इसके बाद दोस्तों प्रभु देवा ने ये भी कहा कि वो आगे भी सलमान और दिशा को एक साथ पैर करके काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों इन सभी खबरों के बीच एक और खबर आई है हमारे पास और दोस्तों सभी सलमान खान के फैंस के लिए। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रशिया गए हुए हैं। तो दोस्तों ये खबर है रशिया से। टाइगर 3 में सलमान खान के लुक की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दोस्तों सलमान खान के एक फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सलमान खान का टाइगर 3 में फर्स्ट लुक शेयर किया है। इन तस्वीरों में सलमान खान लंबे बालों और दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। दोस्तों सलमान खान का टाइगर 3 में फर्स्ट लुक वायरल होते ही फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कहां शूट होगी वांटेड 2? कैसा रहा फिल्म वांटेड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? स्वागत तो करो हमारा। क्या वांटेड की तरह वांटेड 2 में भी होगा सलमान का कोई फेमस गाना? हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 के बारे में और आपको देंगे सलमान खान से जुड़ी कुछ बेहतरीन अपडेट्स। फिल्म वांटेड 2 और सलमान खान से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलमान खान बॉलीवुड की जान है, इस बात में कोई शक नहीं है। बॉलीवुड में अगर सबसे ज्यादा किसी की चलती है तो वो है सलमान खान। और दोस्तों सलमान खान के फैंस उन्हें बेशुमार प्यार देते हैं और दोस्तों शायद उनके फैंस ही उनके बॉलीवुड में अभी तक मजबूती से खड़े रहने की वजह है। सलमान खान अब तक लगभग 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। सलमान खान की फिल्म वांटेड जो कि साल 2009 में आई थी उनके करियर के लिए बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उस समय सलमान अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे और उस वक्त वांटेड फिल्म से सलमान खान के करियर को फिर से एक नई दिशा मिली। अगर हम बात करें वांटेड 2 की तो वांटेड 2 की शूटिंग इंडिया, लंदन, ग्रीस और थाईलैंड जैसी लोकेशंस पर हो सकती है। दोस्तों वांटेड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सलमान खान की 2009 में आई वांटेड ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 94 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों जैसे कि अभी खबर आ रही है कि वांटेड 2 पर मेकर्स जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं और सलमान भाई के फैंस भी वांटेड 2 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे में सलमान खान की ये फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करने में जरूर सफल होगी। अरे हाँ दोस्तों, वांटेड का वो गाना तो याद ही होगा ना, मेरा ही जलवा। वो गाना अभी तक सलमान खान के फैंस की जुबान पर सवार है। आपको बता दें कि वांटेड फिल्म के इस गाने में सलमान खान के साथ अनिल कपूर और गोविंदा गेस्ट अपीयरेंस में गाने में डांस करते हुए नजर आए थे। और अनुमान यही लगा जा रहा है कि फिल्म वांटेड की तरह ही फिल्म वांटेड 2 में भी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या देखने को मिल सकता है वांटेड 2 में? क्या वापस से कोई नई तिगड़ी का जलवा दिखेगा वांटेड 2 में? स्वागत तो करो हमारा। किन चीजों ने बनाया वांटेड फिल्म को सुपर हिट?
नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियो में स्वागत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वांटेड 2 फिल्म से जुड़ी कुछ मजेदार खबरें। साल 2009 में आई एक्शन फिल्म वांटेड ने जहां सबको अपना दीवाना बना दिया था, अब फिल्म इतनी बेहतरीन जो थी, जहां सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्शन के दिग्गज कलाकारों ने एक्शन फिल्मों से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे उस दौर में, वही वांटेड और गजनी जैसे फिल्मों से इन खान्स ने एक बार फिर एक्शन का जुनून दर्शकों में कायम रखा। वांटेड फिल्म में काफी चीजें फिल्म को बेहतरीन करती चली गई, जिसमें एक्शन डायरेक्टर विजय ने काफी बेहतरीन तरीके से एक्शन को फिल्म में फिट किया था। वहीं दूसरी ओर सिराज अहमद, जिन्होंने फिल्म में काफी जबरदस्त डायलॉग्स जैसे बहुत दूर रहा है, अपनी बहन की शादी करेगा क्या, और बस ऐसे ही दमदार और धांसू डायलॉग्स ने दर्शकों को मजबूर कर दिया थिएटर्स में सीटियां और तालियों की गूंज करने को। अब वापस से सीटियों और तालियों की बौछार को तेज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर से भाईजान तैयार है एक और अपना जलवा दिखाने को वांटेड 2 से। जी हाँ, जल्द ही प्रभु देवा की एक नई कहानी के साथ अंडरकवर ऑफिसर राधे को सिल्वर स्क्रीन पर उतरते देखना जरूरी है। ऐसे में जहां वांटेड फिल्म के गाने बड़े गजब हिट रहे, जिसमें डीजे मिक्स सॉन्ग मेरा ही जलवा में बॉलीवुड के 3 बेहतरीन कलाकारों ने अपना डांसिंग के चैलेंज से सबको एंटरटेन किया। जी हाँ, चीची यानी गोविंदा, धिन धिना धिन धा यानी कपूर और डांसिंग के गुरुदेव यानी प्रभु देवा भी इस गाने में अपने डांसिंग के जलवा दिखाने में पीछे नहीं रहे। तो अब वांटेड 2 तो आ रही है, ये तो तय है, लेकिन क्या वापस से इस तिगड़ी का कमाल फिर दिखेगा वांटेड 2 में, ये देखना मजेदार होगा। वहीं आजकल काफी बेहतरीन डांसर्स आ गए हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन और सलमान, जो इनके काफी क्लोज भी हैं। तो ऐसे में हो सकता है हमारे ऑल टाइम बैचलर हीरो सलमान खान संग टाइगर और वरुण ठुमके लगाते दिखे। वांटेड में जहां जबरदस्त एक्शन दिखा, वहीं अब वापस से इस बार भी एक्शन पहले से दुगना होने वाला है, ये तो तय है, लेकिन क्या इस बार भी विजयन के धांसू एक्शन देखने को मिल सकते हैं फिल्म में, ये देखना मजेदार होगा। अब मैं स्नेहा लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे। सलमान के करियर में वांटेड का एक खास रोल रहा है, जिसने इनके डूबते करियर की नई आग किनारे पार लगाई थी। ये मुमकिन है कि सलमान के साथ भी और सलमान के बिना भी वांटेड 2 ब्लॉकबस्टर बनाई जा सके, किस तरह आइए जानते हैं इसी वीडियो में मेरे यानी हस्ती के साथ। आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। वांटेड 2 को सलमान से ज्यादा सलमान को वांटेड 2 की जरूरत लगती है, क्योंकि भाई की पिछली कुछ फिल्में खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। फ्रेंचाइजी के नाम पे अब दबंग और किक ही बचे हैं, तो अगर इनकी अगली फिल्म्स भी एवरेज रहती है तो हो सकता है सलमान एक बार फिर वांटेड से ही करियर रिवाइव करे। अभी तक तो भाईजान और वांटेड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बीच में काफी मनमुटाव है, लेकिन करियर की शाख पे हाथ मिलाने में कोई हर्ज शायद ना हो। पर ऐसा जरूरी भी नहीं कि वांटेड में सल्लू भाई ही वांटेड रहे, इनके अलावा भी सीक्वल हिट करवाया जा सकता है, जहां लीड के तौर पे जॉन इब्राहिम फिट हो सकते हैं। जॉन एक्शन के मामले में सलमान के भी उस्ताद है, यही एक्शन डोज तो वांटेड के सीक्वल में चाहिए। जहां तक बात इन्हें सीक्वल में फिट करने की है, तो इस बार भी अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थीम कारगर हो सकती है, लेकिन इस बार जाहिर है ट्विस्ट और टर्न्स को काफी बड़े लेवल पे बनाना पड़ेगा। बाकी लुक्स और बॉडी शेप तो जॉन एट विल चेंज कर ही लेते हैं। उम्मीद है अपने पठान के लिए इनकी माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन देखी ही होगी। और अगर वांटेड 2 को सही मायनों में एक्शन का डबल डोज बनाना है, तो इसमें बॉलीवुड के हंक ड्यूओ जॉन और विद्युत साथ में भी कास्ट किए जा सकते हैं। इस ड्यूओ का जबरदस्त कॉम्बो हमने फोर्स फिल्म में भी देखा था, और आज तक भी सबसे किलर विलन हीरो एक्शन फोर्स मूवी का ही रहा है। शायद एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुर है तो बैंक की शादी कराएगा मुझसे। अबे रे, तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। सुअर हमेशा
हट जाइए मेरे रास्ते से। ए, मैं हटने वालों में से नहीं हटाने वालों में से हूँ। वांटेड 2 में कौन सी जोड़ी आएगी नजर? क्या 90s के दूल्हे राजा कर पाएंगे वांटेड 2 में एक्शन सीन? रवीना की कौन सी पोस्ट को मिले थे 70,000 से ज्यादा लाइक? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। वांटेड का सीक्वल रिलीज होने को है तैयार, लेकिन अब की बार सलमान का फिल्म में ना होना किस बात की ओर कर रहा है इशारा? तो दोस्तों बता दें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वांटेड 2 के सीक्वल के साथ ही आ रही है कई साल पुरानी जोड़ी, कौन सी होगी वो जोड़ी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपकी क्यूरियोसिटी को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बता दें दोस्तों कि वांटेड 2 में दिखने वाली जोड़ी कोई और नहीं बल्कि रवीना और गोविंदा की होने वाली है। बता दें दोस्तों कि बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव रहती है, जहां एक्ट्रेस ने गोविंदा के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया है कि वो बहुत जल्द गोविंदा के साथ एक प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है। उन्होंने बताया है कि वो एक्टर के साथ ग्रैंड रीयूनियन मना चुकी हैं, जिसके बाद वो फिर वापस लौटने की तैयारी में है। एक्ट्रेस ने अपने इस पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि वो गोविंदा के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है, जिसके जरिए हम इस जोड़ी को कई साल बाद फिर से एक साथ देख पाएंगे। साथ ही दोस्तों बता दूं कि गोविंदा के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रवीना टंडन ने लिखा, ग्रेट ग्रैंड रीयूनियन, हम वापस साथ आ चुके हैं, जहां हम फिर से स्क्रीन पर लौटने वाले हैं। क्या, कहां पर, कब? जल्द आ रहा है। इन्होंने वांटेड 2 खबर देते हुए कहा कि ये एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें हम अलग अंदाज और अलग किरदार में नजर आएंगे, लेकिन एक ऐसा किरदार जो हर कोई चाहता है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट को पिछले 3 घंटों में 70,000 से ज्यादा लाइक आ चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों जोड़ी के फैंस लगातार रवीना के इस पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं, जहां दोस्तों सभी ने लिखा कि वो जोड़ी को फिर एक बार स्क्रीन पर देखने के लिए काफी उत्साहित है। जहां इन सभी के कमेंट्स को देखकर रवीना ने लिखा कि सब्र करो, गोविंदा और रवीना की जोड़ी 90 के दशक की दमदार जोड़ी थी, जहां हमने इस जोड़ी को कई बार बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में देखा। दोस्तों दर्शकों को भी ये जोड़ी खूब पसंद आई थी। इस जोड़ी की फिल्मों की लिस्ट के बारे में बात करें तो इनमें दूल्हे राजा, आंटी नंबर 1, अखियों से गोली मारे, वाह तेरा क्या कहना जैसी तमाम फिल्में शामिल है। गोविंदा पिछले कुछ समय से लगातार फिल्मों में वापस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जा रही है, जिस वजह से अब वो रवीना के साथ फिर लौटने वाले हैं। देखना होगा दोस्तों इस बार उनकी किस